कार्रवाई करने वाले अधिकारी का तबादला कर दिया जाता था। ब्रजेश ठाकुर का रसूख कितना था इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं। जिस अधिकारी ने ब्रजेश का साथ नहीं दिया उसे वह उस विभाग में रहने नहीं देता था। एक जानकार बताते हैं कि 2000 बैच के आईएएस अधिकारी जितेंद्र श्रीवास्तव जब 2016 में राज्य स्वास्थ्य समिति में निदेशक थे तो उन्होंने बिहार राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी में ब्रजेश ठाकुर की एनजीओ सेवा संकल्प एवं विकास समिति और आदर्श महिला शिल्प कला केंद्र मुजफ्फरपुर से जुड़े करीब 10 प्रोजेक्ट्स को नॉन परफॉर्मेंस के आधार पर काली सूची में डालते हुए टर्मिनेट कर दिया था। यह कार्रवाई 19 जुलाई 2016 की है, लेकिन 43 दिनों तक ब्रजेश ठाकुर के एनजीओ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई तो अलबत्ता 11 सितंबर 2016 तक जितेंद्र श्रीवास्तव को स्वास्थ्य विभाग से तबादला कर दिया गया। जितेंद्र श्रीवास्तव के तबादले के साथ ही उनके द्वारा की गई कार्रवाई भी समाप्त कर दी गई। आगे चलकर ठाकुर को और भी काम इस विभाग से दिए जाने लगे। ब्रजेश की 6 एनजीओ को सिर्फ स्वास्थ्य विभाग से सालाना 1.5 करोड़ रुपए मिलते थे। ब्रजेश ठाकुर की सत्ता में इतनी पहुंच थी कि कोई भी अधिकारी उसके खिलाफ जाकर काम नहीं करता था। हालांकि ब्रजेश ठाकुर की कारगुजारी सामने आने के बाद उसके 6 एनजीओ से काम वापस ले लिया गया है। हालांकि अब इस मामले पर बोलने से जितेंद्र श्रीवास्तव इनकार करते हैं। पटना से बिहार प्लस की रिपोर्ट। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।